सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके ट्रिकर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फेस अकाउंट को रिकवर करने के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपका फेस अकाउंट हैक हो चुका है एंड आपका फेस अकाउंट में से नाम, नंबर, ईमेल सब कुछ चेंज हो चुका है, आप किस तरह से अपने हैक्ड अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। सो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके पास नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दीज वाला जो ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो आप किस तरह से लेके आ सकते हो। सो आज की इस वीडियो में वही जानेंगे कि जिन लोगों के पास नो longer have access to these वाला ऑप्शन किस तरह से आएगा एंड किस तरह से वो अपने हैक्ड अकाउंट को ईजिली से रिकवर कर पाएंगे। सो उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हेल्पफुल कंटेंट देखने को मिलता है, जिससे आपको फ्यूचर में भी हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा फेस अकाउंट है जयपाल विजय राठौड़ के नेम से, एंड यहाँ पर ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस अकाउंट में नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दीज वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके भी फेस अकाउंट में यही प्रॉब्लम आ रही है तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है एंड इस वीडियो मैंने जो भी स्टेप्स बताए हैं तो आप लोगों ने उसको अच्छे से समझना है। एंड वीडियो को समझ नहीं आए तो बैक करके भी देख सकते हो, या फिर इस वीडियो को अदर फोन में प्ले कर लेना एंड जिस फोन में आप अपने अकाउंट को रिकवर करने वाले हो उसमें ये प्रोसेस करते चले जाना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, आपका अकाउंट रिकवर होना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। सो यहाँ पे हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद अब जो मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ वो आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग, इस तरह से टाइप करके आप सर्च कर लेना। एंड सर्च करने के बाद जो सबसे फर्स्ट में जो लिंक आएगी एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोगों ने यहाँ पे सेकंड नंबर में जो ऑप्शन है अकाउंट एक्सेस ट्रोल शूटिंग, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब सबसे फर्स्ट में एक और ऑप्शन आ जाएगा, माई अकाउंट हैज बीन हैक्ड, आप लोगों ने उसको भी टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सिक्योर इट बाई गोइंग टू हेल्प सेंटर, आपको सबसे लास्ट में देखने को मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना। एंड क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा एंड सबसे फर्स्ट में जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है रिकवर योर अकाउंट, आप लोगों ने सबसे लास्ट में देखना है, उसके सामने एरो बना हुआ है, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपने उस पर टैप कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप टैप कर दोगे डायरेक्ट हेल्प सेंटर से आप यहाँ पर चैटिंग कर सकते हो एंड अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर बता सकते हो। अब यहाँ पर जैसे मैं ऑप्शन को सिलेक्ट करते चले जा रहा हूँ वैसे ही आपने सेम ऑप्शन को सिलेक्ट करते जाना है एंड सबसे लास्ट में आपको दिख जाएगा नो आई डोंट हैव एक्सेस टू फोन नंबर एंड ईमेल, आपने इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट कर लोगे आपके सामने एक लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपने इस लिंक पर इजीली से क्लिक करना है। facebook.com login identify, आप जैसे इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे अपने अकाउंट को सर्च करने के लिए एक इंटरफेस आ जाएगा। आपने अपने अकाउंट को सर्च करने के लिए सर्च बाई ईमेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड अब जो भी आपके अकाउंट का नेम है वो यहाँ पे आपने एंटर करके सर्च करना है। सो यहाँ पे मैंने मेरे अकाउंट का नेम सर्च कर लेता हूँ एंड जैसे सर्च करूँगा, सर्च करने के बाद आपको जो भी आपका अकाउंट रहेगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरा अकाउंट यहाँ पे मुझे शो होने लगा है जयपाल विजय राठौड़ के नेम से एंड सबसे लास्ट में ट्राई अनदर वे वाला ऑप्शन शो हो रहा है, आपको भी सेम शो हो जाएगा, आपने इस ऑप्शन पर टैप कर देना है। एंड जैसे ही इस ऑप्शन पर टैप कर दोगे, टैप करने के बाद फिर से अगेन आपको यहाँ पे बोला जाएगा ट्राई अनदर वे, और फिर से आपने इस पर अगेन क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा था नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दीज, अब वो ऑप्शन हमें ईजिली से शो होने लगा है, जस्ट यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो हमारे अकाउंट में एक्सेस है वो हमारे पास आ चुका है या नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास हमारे अकाउंट का एक्सेस आ चुका है एंड सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिल रहा है स्टार्ट करने का। अब यहाँ पर जैसे स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं हमसे सबसे पहले पूछा जाएगा न्यू ईमेल। अब आप लोगों ने एक ऐसी ईमेल को ऐड करना है जो किसी भी फेस अकाउंट में ऐड नहीं होनी चाहिए, आपने कोई भी एक रैंडम सी ईमेल क्रिएट कर लेना एंड उसको यहाँ पर एंटर कर देना। यहाँ पर मैंने एक न्यू ईमेल ऐड कर दी है, अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे फिर से अगेन हम दूसरी ईमेल एंटर कर देंगे एंड जो ईमेल एंटर करेंगे एंड एंटर करने के बाद गेट कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी ईमेल एंटर की है उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा फेसबुक की तरफ से, अब वो ओटीपी हमारे जो ईमेल है उस पर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमें ओटीपी आ चुका है या नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हो गाइस फेसबुक की तरफ से हमारे पास आ चुका है योर फेसबुक सिक्योरिटी कोड, अब यहाँ पर उस कोड को यहाँ पर चेक कर लेंगे एंड उसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब इस कोड को कॉपी करने के बाद जो बॉक्स हमें कोड पेस्ट करने का ऑप्शन आ रहा था
इस कोड को अब यहाँ पर एंटर कोड वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जस्ट कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे एंड कंफर्म के बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा अपलोड आईडी। अब यहाँ पे हमें एक ऐसी आईडी अपलोड करनी है जो हमारे फेसबुक अकाउंट से नेम मैच करता हो एंड डेट ऑफ बर्थ मैच करती हो। अगर आपके पास इस तरह का कोई आइडेंटिटी नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपके लिए आइडेंटिटी कार्ड एडिट कर दूंगा। आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करने से पहले नेशनल आईडी कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना एंड सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने आ जाएगा अपलोड। अब जो भी आईडी कार्ड आपके पास रहेगा वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है एंड यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इस अकाउंट का मेरे पास आईडी कार्ड है या नहीं एंड जो भी आईडी कार्ड रहेगा उसको यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। एंड अपलोड करने के बाद मुझे लास्ट में ऑप्शन देखने को मिल रहा है सबमिट एंड जैसे मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हमारा आइडेंटिटी कार्ड जो है सबमिट हो जाएगा एंड जैसे ही फेसबुक टीम हमारे आइडेंटिटी कार्ड को कन्फर्म कर लेगी, मैच कर लेगी हमारे अकाउंट से, सो हमें हमारे ईमेल पर जो हमने एंटर किया था उस ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आएगा फेसबुक की तरफ से ही एंड उसमें हमारे अकाउंट को रिकवर करने का, रीसेट पासवर्ड करने का एक्सेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे वेट कर लेते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट में आपको वो मेल देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फाइनल स्टेप टू बैक ऑन फेसबुक। अब इस तरह से आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद अब आप जैसे देखोगे आपका अकाउंट का नेम दिखेगा एंड सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा ब्लू कलर में रीसेट पासवर्ड। अब जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप ट्रांसफ़र हो जाओगे, रिडायरेक्ट हो जाओगे ब्राउज़र में जहाँ से आपने आइडेंटिटी कार्ड को अपलोड किया था। जैसे ही ब्राउज़र में आ जाएंगे, हमारे ब्राउज़र में आने के बाद हमारे पास एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का एंड नया पासवर्ड बनाने का एंड जो भी आप नया पासवर्ड रखना चाहते हो वो नया पासवर्ड रख लेना। सो यहाँ पर मैं एक रैंडम सा पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ एंड जैसे ही मेरा पासवर्ड एंटर हो जाएगा तो जस्ट हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीसेट। जस्ट आपने इस रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लगेगा जो कि आपको यहाँ पे जो भी आपके अकाउंट में एक्टिविटी हुई है, जो भी चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पर आपको चेक करवाए जाएंगे सबसे पहले एंड थोड़ी सी ये प्रोसेसिंग करेगा, वो आप लोगों ने यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके करने देना है। एंड यहाँ पर जो भी आपके अकाउंट में चेंजेस हुए थे, नंबर रिमूव हुआ था, ईमेल रिमूव हुई थी या पासवर्ड चेंज हुआ था या नाम हुआ था, सब कुछ यहाँ पे एक्टिविटी चेक होगी एंड चेक होने के बाद आपको गो टू न्यूज फीड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इजीली से आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड अगर आपको कोई भी अकाउंट को रिकवर करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना, इससे मैं आपको अकाउंट को रिकवर करने में हेल्प कर पाऊँ। अगर आपसे अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा है तो आप मुझसे भी अपने अकाउंट को रिकवर करवा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बाय।